नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, जीवन में हर इंसान ये जानना चाहता है कि उसकी शादी कब होगी, और वास्तव में हर इंसान इस बात को लेकर के फिक्रमंद जरूर होता है कि उसकी शादी की उम्र कहीं निकल तो नहीं गई। तो वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि क्या उनकी शादी उनके जीवन में कहीं समय से पहले तो नहीं हो गई। दोस्तों, यदि आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राशि के अनुसार मेष राशि के लोगों की वैवाहिक उम्र के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं मेष राशि के लोगों की वैवाहिक उम्र के बारे में। दोस्तों, यदि बात करें मेष राशि की तो राशि चक्र में मेष राशि पहले स्थान पर मानी जाती है। दोस्तों, यदि आप लोग मेष राशि के बारे में और अधिक से और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के खत्म होते ही आपको उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। यदि आप चाहें तो उन सभी वीडियोस को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हर चीज के लिए एक उचित समय माना जाता है, चाहे वो आपकी पढ़ाई का हो, चाहे वो आपकी जॉब का हो या फिर आपके विवाह का। दोस्तों, यदि ज्योतिष विज्ञान की माने तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेष राशि के जातकों का विवाह फरवरी, जून अथवा अक्टूबर के महीने में होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेष राशि के जातकों का विवाह उनके जीवन में 22वें तथा 27वें वर्ष में होने की संभावना बहुत ज्यादा मानी जाती है, जिसमें से 22 और 27 दोनों ही वर्ष अपने आप में बहुत प्रबल और उत्कृष्ट माने जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मेष राशि के जातकों का विवाह उनके जीवन में 22 से 27 वर्ष की आयु में होने की संभावना सबसे ज्यादा प्रबल होती है, और अधिकतर मेष राशि के जातकों का विवाह उनके जीवन में 22 से 27 वर्ष की आयु में ही माना जाता है। 22 और 27 ये दोनों वर्ष अपने आप में सबसे ज्यादा प्रबल माने जाते हैं। जहाँ पर एक और 22 से 27 वर्ष की आयु मेष राशि के जातकों के विवाह के लिए सबसे उत्तम और प्रबल मानी जाती है, तो वहीं पर फरवरी, जून और अक्टूबर का महीना भी मेष राशि के जातकों के विवाह के लिए सबसे अच्छा और उत्तम माना जाता है। दोस्तों, यदि आप लोग मेष राशि के जातक हैं और अपने जीवन से विवाह संबंधी समस्या या यूं कहें कि विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ को सफेद फूल अर्पित जरूर करने चाहिए। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से आपकी विवाह संबंधी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाती है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका विवाह 22 से 27 वर्ष की आयु के बीच हुआ है। साथ ही साथ कमेंट करके इस बात को भी जरूर बताएं कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका विवाह फरवरी, जून और अक्टूबर के महीने में हुआ है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो में कही गई बात आप लोगों को सच्ची और अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।